से उस वक्त 90 माइल्स एन आर पे उनको बाउंसर करते थे और वो कभी यूं कट लेते थे कभी यूं फिर और वो हमारे कैंप में जो थे सुनील गवास्कर वो मतलब है वो थे आइकॉन यानी कि हर कोई चाहता था कि सुनील गवास्कर बन जाए। सो मैं ओपन करता था तो शॉर्ट लेग पे खड़ा होता था, जो जैसे इमरान खान को वो या इधर चौका मार देते थे या गेंद छोड़ते थे तो मुझे डांट पड़ती थी कि देखो कैसे खेलता है वो तो देखो कैसे खेलता है, और फिर उसके बाद एक गाली भी आती थी। तो मैंने सुनील गवास्कर से यही कहा, मैंने कहा आपकी वजह से मुझे शॉर्ट लेग पे खाम खा गालियाँ पड़ती रही। सो ये रिस्पेक्ट बेनतहा थी आई थिंक। उसके बाद भी क्योंकि कमेंट्री करते हैं तो कमेंट्री बॉक्स में भी फिर ये यारी दोस्ती बरकरार रही है। सो बहुत मोहब्बत है बिल्कुल। और मतलब भाई आपकी भी मतलब ऑफ द फील्ड किसके साथ सबसे ज्यादा दोस्ती है? कामरान भाई आपने बताया शायद बाद में हुई है, लेकिन उससे पहले मतलब जब आप खेलते थे मतलब फुल आपका पीक जो था उस टाइम पे भी आपकी दोस्ती आ रही थी पाकिस्तान में? मेरी कामरान अकमल, मैं और कामरान अकमल एक दूसरे के खिलाफ बहुत पाकिस्तान ए और इंडिया ए क्रिकेट खेले हैं। मोहम्मद हफीज़ के साथ मैं बहुत खेला हूँ, सलमान बट के खिलाफ मैं बहुत खेला हूँ, शोएब अख्तर के खिलाफ मैं बहुत खेला हूँ, तो इन सब के खिलाफ मैं बहुत खेला हूँ। तो मेरा मानना है क्योंकि ये उनसे पहले चाहे वो मोहम्मद यूसुफ हो गए, यूनिस खान, वो मुझसे सीनियर थे, वो पहले से खेल रहे थे, लेकिन मेरी जो मैक्सिमम पाकिस्तान ए इंडिया ए जब हम एक दूसरे के खिलाफ खेलते थे वहाँ से मिसबाह के खिलाफ मैं बहुत खेला हूँ। तो ये सब अच्छे दोस्त हैं मेरे और ऑफ द फील्ड बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट बहुत नॉर्मल बात होती है इंडिया में क्रिकेट की बात होती है कि इंडिया में क्रिकेट किस तरीके से बेहतर हो रही है, पाकिस्तान में किस तरीके से क्रिकेट बेहतर हो सकती है, तो आप बात करते हैं उस लेवल पे। ये नहीं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में क्या हो रहा है, कि पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ें बेहतर हो सकती है डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर, कि हम इंडिया में क्या चीज़ बेहतर करें जिससे हमारी टीम इतनी सक्सेसफुल हो गई है, इतनी बेहतर हो गई है। तो ये सारी चीज़ें जब आप बात करते हो एक दूसरे से शेयर करते हो, आप ये बात करते हो कि कौन से नए फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, कौन से अच्छे बैट्समैन इंडिया में आ रहे हैं या कौन से तेज़ फास्ट बॉलर्स इंडिया में आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों में डिस्कशन होती है। तो ये चीज़ एक बहुत हेल्दी डिस्कशन है, लेकिन बड़ी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है। इनफैक्ट ये तो मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया कि ट्रैफिक वगैरह भी सिमिलर था, कोई खाना सिमिलर था, ऐसे लेवल पे कोई बात नहीं होती। मेरा एक्सपीरियंस पाकिस्तान का, मैं 2006 जब ग्रेग चैपल हमारे कोच थे तो मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि मेरे को उस टूर पर जाने को मिला था जहाँ हम 3 टेस्ट मैच और 5 वनडे की सीरीज़ खेल रहे थे, और वो पूरे पाकिस्तान में अलग अलग वेन्यू पे था जी। हमने शुरू किया था बागे जिना से, हम लॉरेंस गार्डन लाहौर, यस। तो मुझे याद है हमने रात को यहाँ से लेट नाइट फ्लाइट ली थी दिल्ली से लाहौर, कोई 20 या 25 मिनट की फ़्लाइट थी जी, और हमें पता भी नहीं चला हम लाहौर पहुँचे, वहाँ पर्ल कॉन्टिनेंटल में रुके। तो एक दिन बाद हमारा बागे जिना में मैच था पाकिस्तान ए के खिलाफ, और सुबह जब हम मैच खेलने गए उस टाइम पे विंटर टाइम था, तो बिल्कुल सफ़ेद था वो ग्राउंड, सारी ओस बड़ी हुई, हमें लगा पता नहीं मैच होगा नहीं होगा। और वो मुझे याद है कि पूरी इंडियन टीम खेल रही थी पाकिस्तान ए के खिलाफ, और ग्राउंड के बाहर पठानी सूट में लोग क्रिकेट खेल रहे थे टेप बॉल से, और उस टेप बॉल की क्रिकेट देखने को के लिए जो हमारा मैच देख रहे थे उससे ज़्यादा लोग थे, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो मैं बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा था, एक तरफ आई थिंक युवराज था, तो हम ये बात कर रहे थे कि यार हमारा मैच जहाँ पर हम सब सचिन तेंदुलकर राहुल द्राविड सब खेल रहे हैं, वो अगर 500 लोग खेल रहे हैं देख रहे हैं तो बाहर 1500 लोग वो वाला मैच देख रहे हैं। तो इमेजिन करिए उस टाइम पे 2006 में क्या टेप बॉल का क्रेज़ था। फिर हम पहला टेस्ट मैच लाहौर खेले, फिर उसके बाद हम कराची खेले, और फिर पेशावर से लेके मुल्तान से लेके सारे वेन्यूज़ में खेले, तो वो बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था। बेहतरीन फैसलाबाद में खेले हम जी। तीसरा टेस्ट मैच, तो मेरा मानना है कि जो हॉस्पिटैलिटी हमारे को पाकिस्तान में मिली थी, मेरे को नहीं लगता कि मैं बहुत सारे टूर्स पे गया हूँ उससे बेहतर हॉस्पिटैलिटी नहीं मिली होगी मुझे किसी और टूर पे। और वो एक्सपीरियंस इसलिए भी था क्योंकि मेरी दादी कराची से है, मेरे दादा मुल्तान से हैं जी। अरे वाह। तो मेरे दादा मुल्तान से थे, मेरी दादी कराची से थी, तो जब मैं पाकिस्तान गया तो उनका सिर्फ एक ही ये था कि घर वालों का कि मुल्तान में देख के आना कि जहाँ हम रहते थे, और कराची में देख के आना जहाँ मैं रहती थी। तो वो ऑलरेडी इतना इमोशनल एक टूर था सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जी। एक तो आप क्रिकेट खेल रहे हो अपने देश के लिए, ऊपर से आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ से आपके दादा दादी आए हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके की हिस्ट्री है दोनों देशों के बीच में। रमीज भाई आपकी भी फैमिली इंडिया से बिलोंग करती है?